नमस्कार, प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुख करते हैं खबरों का। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रस्साकसी का खेल जोरों शोरों से शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो राजस्थान की राजनीति के बारे में अभी तक कुछ भी समझ नहीं पाए, अगर समझ पाते तो कांग्रेस की अंदरूनी ही कलह समय रहते ही सुलझ जाते। इधर बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह फिर भी अब जाकर राजस्थान के बारे में थोड़ी जानकारी रखने लगे हैं। मायने ये निकलते हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रभारी बनाकर राजस्थान में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। बात करते हैं शिवसेना प्रभारी की, जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, चंद्र राज सिंह भी। जी हाँ, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने चाणक्य चंद्रराज सिंघवी को राजस्थान का प्रभारी बनाया है, जिनके बेबाक बयान और अपनी बात को मुखरता से रखना है। चाणक्य चंद्रराज सिंघवी के सामने कांग्रेस के रंधावा और बीजेपी के अरुण सिंह, दोनों प्रभारियों की तुलना करें तो दोनों नेता बोने लगते हैं। शिवसेना का राजस्थान में अब बजेगा डंका। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल किस तरह से वोटर को साथ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज। श्रीमान प्रसादी लाल जी मीणा, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज्य सरकार के द्वारा उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान 2023 के तहत निज निवास ग्राम मंडावरी में बच्चों को पोलियो की खुराक दो बूंद जिंदगी की पिलाकर उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान 2023 का शुभारम्भ किया। शुभारम्भ कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर धीरज कुमार शर्मा, BCMO लालसोत, डॉक्टर पीसी गुप्ता, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय मंडावरी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियो वैस्कुलर थोरोसिक सर्जरी SMS अस्पताल जयपुर की तरफ से शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग द्वारा अपने हार्ट ट्रांसप्लांट केस की वर्षगांठ को उत्साह के रूप में मनाया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष जून माह में SMS अस्पताल द्वारा भोली देवी नामक महिला का हृदय प्रत्यारोपण कर उन्हें नवजीवन दिया। उस प्रत्यारोपण को एक वर्ष पूरा हो चुका है। वर्तमान में भोली देवी पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रही है। SMS अस्पताल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। राजीव अरोड़ा देश और प्रदेश में अंगदान को लेकर जागरूकता प्रसार करने वाले प्रमुख व्यक्ति है। अरोड़ा ने बताया कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले प्रशांत राजेंद्र शिंदे के ब्रेन डेड होने पर उनके परिजनों की तरफ से अंगदान के लिए स्वीकृति मिली और प्रशांत राजेंद्र शिंदे के अंगों से प्रदेश के 4 लोगों को नया जीवन प्राप्त हुआ। उस केस में SMS अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के मरीज भोली देवी, जिन्हें हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी, शिंदे का हृदय प्रत्यारोपित किया गया। 8 घंटे चली वह सर्जरी पूर्णतः सफल रही थी और आज भोली देवी पूरी तरह से स्वस्थ है। इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अंगदान के लिए जागरूकता प्रसार और इस हेतु प्रदेश में विश्व स्तरीय सुविधा के विकास पर वैचारिक मंथन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, SMS कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहटा, डॉक्टर अंचल शर्मा, डॉक्टर अमरजीत मेहता, शुभ्रा सिंह, IAS शिव प्रसाद, नकाते भावना जगवानी और अंगदान एवं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। धर्म नगरी छोटी काशी के नाम से विश्व विख्यात राजधानी जयपुर एक बार फिर अपनी श्रद्धा भक्ति के जन सैलाब को लेकर सड़कों पर उतरी। इस बार अवसर था दिगंबर जैन आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के शिष्य आचार्य सौरभ सागर महाराज की अगवानी का, जो अपने 29 वर्ष की कठोर तपस्या के मार्ग पर चलते हुए पहली बार जयपुर नगरी में प्रवेश किया। इस बार का चातुर्मास प्रताप नगर सेक्टर 8 दिगंबर जैन मंदिर में करेंगे, जिसको लेकर आचार्य श्री 29 जून को मंगल प्रवेश करेंगे, 2 जुलाई को कलश स्थापना, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव और 4 जुलाई को वीर शासन जयंती के कार्यक्रम संपन्न होंगे।
प्रचार संयोजक अभिषेक जैन बिट्टू ने जानकारी देते हुए कहा, आचार्य सौरभ सागर महाराज ने रविवार को प्रातः 6:15 पर सूरजपुर गेट स्थित मोहनबाड़ी दिगंबर जैन मंदिर से विहार यात्रा शुरू करते हुए हवा महल बड़ी चौपट पर मंगल प्रवेश किया। इस दौरान जयपुर की विभिन्न कॉलोनियों समेत पुष्प वर्षा युग समिति के पदाधिकारियों और कांग्रेस नेता, पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजय बापना, गोरवा अध्यक्ष राजीव जैन गाजियाबाद, सुनील साखूनिया प्रताप नगर सेक्टर 8 के पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर आचार्य श्री अगवानी की और यहां से भव्य शोभा यात्रा के रूप में चलते हुए ढोल नगाड़े और जयकारों के साथ जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बापू बाजार, न्यू गेट, अजमेरी गेट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल, नारायण सिंह सर्किल से होते हुए भट्टारक जी की नसिया में प्रवेश किया, जहां पर जयपुर जैन महिला मंडल द्वारा 29 कलशों को सर पर रखकर अगवानी की। इसके उपरांत 29 थालों पर पाद प्रक्षालन करवा कर आचार्य श्री को जिनालय में प्रवेश करवाया, जहां आचार्य श्री ने श्री जी के दर्शन कर धर्म सभा में अपना सानिध्य प्रदान किया। आचार्य श्री एक बार सौरभ सागर जी महाराज का 29 साल के पश्चात जयपुर की धरा पर भव्य मंगल प्रवेश हुआ है। आचार्य श्री हवा महल से पटारे की नशा में भव्य जुलूस के साथ प्रवेश करेंगे। आज वहां पर एक भव्य मंगल विमोचन का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात महाराज जी विभिन्न कॉलोनी से होते हुए 29 तारीख को चिंतू कॉलोनी से पिंजरा पोल होते हुए सेक्टर 8 के जिनलिंग के दर्शन करते हुए जो विशाल महासभा का आयोजन किया गया है वहां पदार्पण करेंगे। ये विशाल धर्म सभा 8:30 प्रारंभ हो जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहे आप हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।